गर्मियों के मौसम में आम मार्केट में इजिली मिल जाते हैं और आम से बना सकते हैं आप ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी। बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ मैंगो कुल्फी बनाने का, और मेरे बताए हुए तरीके से आप कुल्फी बनाएंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिए हैं। आम जो परचेज करने हैं थोड़े से बड़े साइज के आम परचेज करने हैं आपने कुल्फी आइसक्रीम बनाने के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आम को ना गर्म गर्म पानी में डाल दीजिए, उबालना इनको आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लीजिए। इससे क्या होगा, आम के अंदर जितना भी पल्प है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और वो अच्छे से निकल भी जाता है। तो ये देखिए सिर्फ 2 मिनट तक मैंने आम को बॉईल किया है। इसके बाद आप इनको निकाल के साइड में रख दीजिए और ठंडे पानी से आप इनको ठंडा कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसका देखिए पल्प कैसे निकालेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है ना। तो इसके बाद आपने आम को 4 हिस्सों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से आम की आप ना कटिंग कर लीजिए, और कटिंग करने के बाद आपने इसका जो पल्प है इसको अपना जैसे हाथ से प्रेस करेंगे आसानी से पूरे का पूरा पल्प जो है बॉल में निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसका जो पल्प है इसको निचोड़ लीजिए। आप चाहे चम्मच से भी निकाल सकते हैं, और जो हमारी गुठली रहती है आम की गुठली रहती है इसके में ज्यादा पल्प बच जाता है। तो आप आम को हल्का सा गर्म करके ठंडा करके इसका पल्प निकालेंगे ना, पूरे का पूरा पल्प निकल जाता है। देखिए इस तरह से अब ये गुठली है, इसको भी हाथों से इसी तरह से प्रेस कीजिए कि देखिए इसमें बिल्कुल भी पल्प नहीं बचा है। अब आपने इस पल्प को ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है और थोड़ा सा पानी डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है क्योंकि ऑलरेडी आम के अंदर मॉइस्चर रहता है। तो ये देखिए इतना सा पानी डाल के इसको पीस लीजिए, एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए आम की जो प्यूरी हमने बना के तैयार कर ली है। अब इसके बाद इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें दूध चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आप आधा लीटर दूध से भी बना सकते हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। और गैस की फ्लेम आपने ना चालू कर देनी है, दूध को बीच बीच में हिलाते रहिए जब तक दूध में बॉयल नहीं आता है, ताकि वो कढ़ाई के नीचे ना चिपके। वैसे तो पानी डाला है चिपकने के चांसेस रहते नहीं है, बट फिर भी बीच बीच में पलटा चलाना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है, गैस की फ्लेम कम कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो जब भी आप कुल्फी आइसक्रीम बनाते हैं चीनी का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है, तभी कुल्फी में अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं इसमें ना आप मिश्री का यूज कर सकते हैं, और मिश्री भी नहीं खाते हैं तो आप इसमें हनी का यूज भी कर सकते हैं, बट हनी आपने तब डालना होता है जब आपका दूध ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर रहा हूँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दूध को यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक पका लिया है, और दूध की क्वांटिटी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कम भी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको ठीक करेंगे। तो एक बाउल में मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है, इसमें 1 चम्मच हम मैंगो कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए गरम गरम दूध में आपने इस तरह से कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। जल्दी से इसको दूध के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब मैंगो कस्टर्ड पाउडर से क्या होगा, दूध में थिकनेस आ जाएगी और मैंगो का अच्छा फ्लेवर भी आएगा। इसके बाद आपने इसमें जो आम पीस के रखे होंगे वो डाल देना है, या फिर आप आम को तब डालिए जब अच्छी तरह से दूध ठंडा हो जाए। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने बंद कर दी है, और आम को भी दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने ना इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इस मिक्सचर को आप दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जल्दी ठंडा करना हो आप इस बाउल के नीचे थोड़ा सा ठंडा पानी रखिए, उससे ही ना और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। इसके बाद आपने इसको फिर से ग्राइंड करना है। फिर से ग्राइंड करने से क्या होगा, इसका फिर से एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और जब आपकी कुल्फी बनेगी उसमें आइस के क्रिस्टल बनते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। तो ऊपर से कवर कर दीजिए और इसको आप फिर से ना ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे इसमें कितनी अच्छी फ्लावट आ जाएगी। तो इसके बाद अगर आपके पास कुल्फी के सांचे हैं तो उनमें डाल दीजिए। देखिए मेरे पास डिस्पोजल कप है, इनमें मैं कुल्फी जमा रहा हूँ, या फिर आप इसको ना किसी बड़े बॉक्स में भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 कपों में कुल्फी बनाने के लिए डाल दिया है। इसके बाद आपने इनको फॉइल पेपर से ऊपर से कवर कर देना है इस तरह से। और आपके पास कुल्फी वाली स्टिक है तो इस तरह से आप इसके सेंटर में देखिए स्टिक लगा दीजिए। और इसके बाद आपने कुल्फी को ना डीप फ्रिज में रख देना है, जो फ्रिज का आइस वाला बॉक्स होता है ना उसमें रख देना है। 6 से 8 घंटे में आपकी जो कुल्फी है अच्छी तरह से जम जाएगी। यहाँ मैंने 8 घंटे तक रखा था कुल्फी को, और के देखिए आपको मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए अच्छी तरह से कुल्फी सेट हो चुकी है। इसके बाद आपने अगर डिस्पोजल में लगाई होगी तो इसको आप इस तरह से फाड़ लीजिए, और इसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। अगर आप थोड़ी सी सॉफ्ट कुल्फी खाना पसंद करते हैं आप इस कुल्फी को ना कम से कम 10 मिनट तक ना डिस्पोजल कप में ही छोड़ दीजिए बाहर, और इसके बाद आप कुल्फी को निकालेंगे आपकी कुल्फी खाने में एकदम सॉफ्ट रहेगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक कुल्फी को बाहर रखा था, कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक।